नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ मूली की सब्जी, क्योंकि जो मेरी बड़ी बेटी है पीहू, उसको मूली की सब्जी बहुत पसंद है। तो उसने कई बार बोल दिया कि मम्मा आप मूली की सब्जी नहीं बना रहे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मूली की सब्जी मैं ले ही लेती हूँ। तो जो पत्ते हैं वो मैंने काट के रख दिए हैं कुकर में थोड़े से बॉईल होने के लिए, क्योंकि फिर सारी चीजें एक साथ नहीं आती। तो बस अब मैं मूली काट रही हूँ और फिर इनको भी मैं उसी कुकर में डाल के उबाल दूंगी। तो फिर चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं मूली की सब्जी कैसे बनाती हूँ। बहुत ही ईजी है, सिंपल ही है। मैं आपको पता ही है मैं ज्यादा मसाले वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करती, बस जो अपने घर में लहसुन प्याज नमक मिर्च हल्दी है सिर्फ उन्हीं से ही मैं सब्जी बनाती हूँ। तो फिर चलिए बनानी शुरू करते हैं सब्जी। पहले मैं काट लूँ फटाफट से मूली और उसके बाद फिर मैं इनको उबालूंगी और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो लीजिए, इनको काट के धो के मैंने रख दिया है उबलने के लिए। मूलियों को थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दूंगी मैं और कर दूंगी ढक्कन बंद। तो एक सिट्टी लगवानी है मैंने, तो सिट्टी लग गई है और यहाँ मैं कर रही हूँ अब छौंक की तैयारी। तो छौंक के लिए मैंने 10-12 लहसुन ली है, 1 इंच लंबा टुकड़ा अदरक का लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च ली है, जिनको कि मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी। प्याज को मैं बारीक नहीं करूँगी आज, उनको मैं मोटा मोटा ही रखूंगी। तो 3 से 4 मैंने ली है मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको कि मैं लंबा लंबा काट लूँगी। तो बस, और जब तक इसकी गैस निकलेगी तो तब तक मैंने आटा भी बना के तैयार करके रख लिया है। तो लीजिए, यहाँ पर कुकर की गैस निकल गई है और मैंने इनको झरनी में निकाल के पानी चला के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और फिर कपड़े में बांध के मैंने इनका जो पानी है वो निकाल दिया है अच्छी तरीके से दबा दबा के। तो लीजिए, मूली हमारी हो गई है तैयार। तो इधर मैं अब गैस पर चढ़ा दूंगी कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल, तो सरसों के तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मूली में। तो जब तक तेल गर्म होगा, मूली में हम अपने नमक मिर्च और हल्दी मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें बाहर ही नमक मिर्च हल्दी इसलिए मिक्स करूँगी क्योंकि जब आप मूली को निचोड़ते हैं तो उसकी डलिया सी बन जाती है और कढ़ाई में जाके फिर वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैं बाहर ही इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको फ्राई करना रह जाएगा। तो बस जब तक हमने मूलियों को अच्छी तरीके से मिक्स किया है नमक मिर्च और हल्दी के साथ, उधर कढ़ाई में हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो गया है और इसमें मैं डाल दूंगी जीरा और धनिया और साथ में ही जो मैंने लहसुन अदरक और मिर्च को पीसा था बारीक बारीक वो भी। तो हल्की सी आंच लगाकर इनको जो प्याज है वो भी इसमें डाल देंगे। तो प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो लीजिए, प्याज भी हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है और अब इसके बाद हम अपनी जो नमक मिर्च और हल्दी मिक्स की हुई मूली है वो इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और हल्दी इसमें सॉरी मूली में थोड़ा सा पानी रहता है, तो इसी तरह आप उसको चला चला कर मतलब पानी को जला दें, जिससे कि जो मेथी है वो मतलब अच्छी लगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए, जो मेथी है मेरी वो बनकर हो गई है तैयार और इसका जो पानी है वो बिल्कुल जल गया था। अब आप इसके पराठे भी बना सकते हैं भर के, अगर आप बनाना चाहते हैं तो। तो बस मैं यहाँ पर सब्जी ही ले रही हूँ और बस सब्जी को निकाल दूंगी मैं दूसरे बर्तन में। तो लीजिए, हो गई है मेरी सब्जी तैयार। तो मैंने सब्जी बना ली है और सब्जी काफी अच्छी बन भी गई है। तो बस अब रोटी बनानी रह गई है और नाश्ता करके खाना खा के आज हमें जाना है कहीं पे और आप लोगों को भी मैं जरूर दिखाऊंगी कि आज हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ मतलब बहुत प्राचीन मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि प्राचीन धरोहर माना जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी। तो बस फटाफट से नाश्ता करना है, बच्चे तैयार हो गए हैं, कृष्णा के डैडी जा रहे हैं नहाने के लिए। तो बस फिर फटाफट से मैं रोटी बना देती हूँ और उसके बाद चलते हैं। तो लीजिए, हम लोग चल दिए हैं और सारा पहाड़ी एरिया है, तो आगे आगे जितना भी रास्ता है वो पहाड़ी एरिया ही पड़ता है और बेसिकली जिस जगह पे हम रहते हैं वो पहाड़ ही है, पहाड़ी एरिया नहीं बोल सकते, पहाड़ ही है। तो ये एक डैम है यहाँ पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर इस टाइम और ये जो पीछे आप देख रहे हो ये कौशल्या डैम है। ये
और ये बहुत बड़ा डैम है, इससे पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पूरे पंचकुला को पानी जाता है यहाँ से, और ये पूरा भरा रहता है खचाखच हर टाइम बरसात में, और बरसात में तो पानी यहाँ पे भी नीचे तक आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो डैम को क्रॉस करके हम निकल गए हैं आगे, और चलिए अब हम मिलते हैं आपको मंदिर में ही। तो लीजिए आ गए हैं हम मंदिर में, और शिव जी की ये इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी, कि इसके आगे अगर आप खड़े हो जाते हैं तो बहुत ही छोटे नजर आते हैं। इसके तो आगे भी छोटे से लगे हैं। देखिए हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आना था दर्शन करने के लिए, और आप देख ही रहे होंगे जो शिव जी भगवान की मूर्ति है यहाँ पे, इसकी बहुत मान्यता है और ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पे सारा हिल एरिया है ये टोटली, ढूंढते ढूंढते आए और बड़ी मुश्किलों से आए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि बाइक मैं 10-12 साल पहले आया था यहाँ पे, और 12 नहीं 7-8 साल पहले, 7-8 साल पहले। और ये बच्चे जा रहे हैं गेट की तरफ। तो ये लीजिए ये आ गए हैं हम मंदिर के अंदर, और बच्चे घंटे घंटे बजा के घूम रहे हैं। और ये देखिए शिव जी की मूर्ति इतनी बड़ी आई, लगभग 30 से 40 फुट लंबी मूर्ति होगी, और इसके सामने कितने से लग रहे हैं ये भी आप देख रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी मूर्ति है, और तकरीबन 7 से 8 साल पहले हम यहाँ आए थे शादी के बाद ही, और उसके बाद आज यहाँ आने का मौका मिला है। और मंदिर भी जो है वो बहुत मतलब अच्छा है। तो यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे इतने सुंदर हैं, मतलब उनकी आसपास की जगह इतनी सुंदर है, इतनी शांति, मतलब पता लगता है कि आप मंदिर में जा रहे हैं। जिस सुकून को ढूंढने के लिए लोग अक्सर मंदिर में जाते हैं, तो यहाँ के मंदिरों में वो चीज़ मिलती है। तो देखिए ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा, और यहाँ पर जो सामने ही है ये शेषनाग जी बने हुए हैं। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये। तो अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ भोलेनाथ की पूजा, और भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जिनको कि मैं बहुत मानती हूँ। और सच में इनको देखने के बाद एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी फीलिंग अंदर ही आती है, एनर्जी मिलती है मुझे। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है आसपास तो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इनको देखने के बाद सच में अगर मतलब एक अच्छी सी जो फीलिंग आती है वो मुझे बहुत आती है, इनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है इनके अंदर से। तो इसीलिए भी मैं मतलब
हमारा रहता है कि हम जाएं मंदिर में, और मंडे था आज तो इसीलिए हम लोग मंडे को ज़रूर जाते हैं। मतलब इसके डैडी की छुट्टी होती है तो इसलिए हम कहीं ना कहीं मंदिर में ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पिंजौर में इतने घर नहीं हैं जितने कि मंदिर है। अगर आप हर हफ्ते भी एक मंदिर में जाएं तो नेक्स्ट उसी मंदिर का दोबारा चक्कर आपको महीने दो महीने में लग जाएगा। तो इतने यहाँ पर मंदिर है। तो देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है, और यहाँ अंदर मैंने कर ली है पूजा, और इसके बाद अब जाएंगे हम बाहर की साइड। तो बाहर यहाँ पर राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है, गणपति जी की भी मूर्ति है, लेकिन मेन जो है वो यहाँ पर यही है भोलेनाथ की। तो लीजिए हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर जहाँ मैं जा रही हूँ अब ये राधा कृष्ण जी की मतलब मूर्ति है, यहाँ पर खड़े हैं वो, बहुत सुंदर है। मतलब देखने पर एक बार ऐसा लगता है दूर से कि मतलब जो मतलब सजीव वस्तु कहते हैं, यानी कि रियल के इंसान होते हैं वो खड़े हुए लगते हैं। इनको इतने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है इन यहाँ पर। तो बाहर देखिए आप, यहाँ पर कृष्णा जो है इन शेरों को केला खिला रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर गणपति जी महाराज हैं, और गणपति जी महाराज भी देखिए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि सच के बिठाए हुए हों। तो सच में कई चीज़ें ऐसी हैं, हाथ की कलाकारी ही है कि जिनको देख के पता ही नहीं लगता कि ये मूर्ति है या मतलब जीवित है, चलती फिरती है। तो सच में यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देखिए तो मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और एक सुकून जिसकी तलाश में इंसान रहता है वो यहाँ पर आकर ज़रूर मिलता है। अगर आप कभी इधर की साइड आते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर जाइए, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जहाँ एक बार जाता है बंदा तो बार बार जाने का मन ज़रूर करता है। तो मूर्ति है इतनी बड़ी है कि जो इनका आशीर्वाद वाला हाथ है वो भी मेरे से डबल है, जितनी लंबाई मेरी है। और मौसम तो आप यहाँ का देखिए, मतलब एकदम खुला डुला और पहाड़ी एरिया, मतलब ऐसी जगहों पे आके ना वापस जाने का मन नहीं करता। तो ये देखिए भोलेनाथ कितने बड़े हैं, कितने अगर इनकी गोद में बैठ जाए ना तो नजर ना आए बैठे हुए हम। तो ये देखिए ये बैक साइड है इनकी, और इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा, बिल्कुल सच में ऐसा मन करे कि जब आओ तो थोड़ी देर मतलब रुको। और वैसे जब हम घूम के आए हैं तो ये काफ़ी दूर पड़ गया है, लेकिन पिंजौर जहाँ शिवलोती है उसी के ऊपर एक मंदिर और है शिवलोती के ऊपर, जिसको कि घाटी वाला मंदिर बोलते हैं। तो अगर वहाँ को आए मतलब वहाँ से देखें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे नज़दीक में ही है ये मूर्ति, मतलब पिंजौर से नज़र आती है। और अगर इसका रास्ता देखें तो 10-15 किलोमीटर दूर पड़ जाता है अब हम आए हैं, लेकिन पिंजौर से देखने पर तो ये ऐसा लगती है कि जैसे बस यहीं पर ही है नज़दीक में ही। और पिंजौर से भी ये नज़र आती है। अब आप देख लीजिए कि मतलब 10-15 किलोमीटर दूर हमें आना पड़ा है इसके लिए। और ये देखिए इधर मैं आपको दिखाऊं तो सारा का सारा पहाड़ी एरिया है, और हम इतने ऊपर हैं कि नीचे ना गिर जाए, नीचे खाई है, नज़र आ रही है आपको वो नीचे खाई है मतलब, और उधर वो सारे जो पहाड़ हैं वो पिंजौर के पहाड़ हैं, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ही है पास में, लेकिन बहुत दूर पड़ जाता है। तो शादी के बाद मैं आई थी यहाँ पर, मैं थी, ये थे और दो जन हमारे साथ और थे, तो तब भी मतलब काफ़ी दूर था ये, लेकिन तब जो रास्ता है सारा वो ऐसा नहीं था जैसा कि आज है बिल्कुल, मतलब इतना ये बसासत नहीं थी, लोग बाग नहीं रहते थे, लेकिन अब तो खैर रहने लगे हैं। तो देखिए उधर पीछे भी पहाड़ है, सारे में पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं। और ये जगह ऐसी है कि मतलब रहे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आराम से। तो फिर चलिए करने की, जाने की हो गई है तैयारी शुरू। और ये देखिए एक बार और भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, देखिए कितने बड़े भोलेनाथ जी। और इनकी शरण में आने के बाद जो सुकून, जो शांति मिलती है ना, सच में वो कहीं नहीं है कहीं भी। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, और घर बैठे ही आपको भी दर्शन हो गए हो भगवान जी के। तो बस फिर अब हम लोग चलते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए आ गए हैं ये लेके बाइक, तो फिर चलिए अब चलते हैं हम लोग घर पर।
तो बस मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए भोलेनाथ जी, वो रहे पीछे। तो बाय।